कराना, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई चढ़ाई भी कर लेना। भाई क्लास में सिर्फ ज्ञान मिलता है ये तो कहीं किसी ने लिखा नहीं ना। अपने मयंक और सम्राट को ही देख लीजिए, कितने कूल लगते हैं कॉलेज के क्लास में बैठे हुए। और इन्हें तो ज्ञान के साथ साथ देखिए ना, क्लासरूम में मिल गई एक छोटी सी बच्ची और अब ये दोनों उसको तैयार भी कर रहे हैं। व्हाट से यू डूड। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, हेलो तेरे लिए सजदे हो जा डैडी। सारा को भी नहीं पता है उसका डैडी कौन है। अपने लिए तेरी नूपुर और गुंजन सावधान, क्योंकि मयंक और सम्राट की छोटी सी दुनिया में कोई दूसरी आ गई है जिसके साथ वो आजकल खूब वक्त बिता रहे हैं, उसे खूब अटेंशन दे रहे हैं, उस पर प्यार बरसा रहे हैं और आप दोनों से ज्यादा उसी की तारीफ कर रहे हैं। She's actually very cute baby. आप दोनों की बदकिस्मती देखिए, आप उससे लड़ भी नहीं सकती क्योंकि वो छोटी सी है, प्यारी सी है और इतनी मासूम है कि सम्राट मयंक का क्या किसी का भी दिल उस पर आ जाएगा। नन्ही जारा की प्यारी प्यारी किलकारियों ने आजकल मिले जब हम तुम के सेट पर सबका दिल खूब लगाया हुआ है, स्पेशली मयंक और सम्राट का, जिनकी गोद से जारा जाने का नाम ही नहीं लेती, उन्हीं के हाथों से जूस पीती है, उन्हीं के साथ हंसती है, रोती है और हाँ खूब नखरे भी दिखलाती है। मयंक और सम्राट भी इस नन्ही एंजल को खूब अटेंशन देते हैं। देखिए देखिए, फिलहाल तो उसे सजाने का कार्यक्रम चल रहा है ताकि उनकी जारा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। गोल की माला पहन रहे हैं। कभी उसका खिलौना बन जाते हैं तो कभी आवाज। देखिए मैं अभी अभी मेरी नई एंट्री हुई है मिले जब हम तुम में, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मोहित और अर्जुन के साथ काम करके, और ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो मुझे कितने अच्छे हेयर बैंड और गले में पर्ल की रिंग पहनाई है ना। मिले जब हम तुम की ये लेटेस्ट एंट्री मस्ती के साथ साथ मिले जब में काफी सस्पेंस भी लाई है, अपने डैडी का सस्पेंस। इन पांचों में से कोई एक इस नन्ही एंजल का डैडी है, वो कौन है कौन नहीं ये तो असली डैडी को पता है या फिर डैडी की नन्ही बेटी को। डैडी सारा को भी नहीं पता है उसका डैडी कौन है। अच्छा हाँ, आप तो इतनी छोटी सी हैं कि आपको कैसे पता होगा डैडी का नाम। हम गेस करें, हमें तो मयंक पर शक हो रहा है क्योंकि ये बेबी मयंक की गोद में आकर झट से चुप हो जाती है और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। बड़ी स्टार बन गई हूँ बोलो। अच्छा नहीं, जाला जाला। अगर ऐसा है तो नए नवेले पति बने मयंक की तो खैर नहीं। याद है ना किसके किस्से को लेकर नूपुर मयंक पर कितना भड़की थी। होली के दिन मयंक ने दूसरी लड़कियों को किया था क्या? तुमने अगर ऐसा हुआ तो रूठी नूपुर को मयंक कैसे मनाएंगे, इसकी प्लानिंग भी उन्होंने पहले से ही करके रखी है। तकलीफ होगी लेकिन है, हमारे पास लड़कियां हैं। हम उन्हें ऐसी गोदी में उठा उठा के खिलाएंगे। एक्चुअली मुझे तकलीफ है, गुंजन को उठाएगा और मैं नूपुर को, और हम ऐसे ही उनको खिलाएंगे। ओहो, तो अगर आपके पापा बनने की संभावना हुई तो आप नूपुर को गोद में लेकर खिलाएंगे, फिर तो वो भी आपको खिलाएंगी। क्या जोरदार थप्पड़, ये मिलेगा। सम्राट आप भी जरा सावधान ही रहिए, फिलहाल जरा जारा को संभालिए। नूपुर और गुंजन का नाम सुनने के बाद वो रोने लगी है। अच्छा। निशिमा जेटली, स्टार न्यूज, मुंबई। कुछ कहना चाहती हो तुम? बस बस, इससे ज्यादा इंटरव्यू मैं नहीं दे सकती। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ।
चलो एक ग्लास बाय बोल दो सास बहू और साजिश को। बाय बाय ऊ कर दो एक बार ऊ। कर लिया कर लिया। थैंक यू ओके बाय। नहीं मैं और नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझसे और नहीं हो रहा है। जी हाँ ये एग्जाम्स मुझसे नहीं होते और ये बोर्ड एग्जाम्स तो मुझसे बिल्कुल नहीं होते। अरे मेरी इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने क्लास ले रखी है कि इतनी बुरी क्लास तो कृष्णा की भी नहीं होगी। कौन कृष्णा भाई? यू नो हु।